अबे ये इंट्रो सही नहीं, पहले वाला लगा। ओके दैट्स माय बेस्ट फ्रेंड। हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी गाइस। स्वागत है आपका हमारी एक और बिल्कुल नई वीडियो में। पुराने इंट्रो से इतना लगाव है भाई यार, जैसे ही मैंने नया इंट्रो क्या डाल दिया भाई, सब यही कमेंट करने लगे कि पुराना इंट्रो ले आया, इसमें क्या है। लेकिन हाँ भाई, नया वाला जो इंट्रो मैंने लगाया था वो लोकी की सीरीज़ यानी मार्वल का जो एवेंजर्स का एक विलन था लोकी, उसकी सीरीज़ का एक छोटा सा मैंने वहाँ पर अपना ही कॉपी बनाया एक अपने इंट्रो का। तो भाई काफ़ी लोगों को पसंद आया, काफ़ी लोगों को नहीं आया क्योंकि उनको पुराना वाला पसंद है। तो लो भाई वाला ओल्ड इज गोल्ड यार। ऑफ कोर्स सबसे पहले आपको बता दूं भाई, आज अपडेट्स की जगह आपको काफी कुछ टूर्नामेंट से रिलेटेड मिलने वाला है। टूर्नामेंट से मेरा मतलब है वर्ल्ड सीरीज और सीएस कप चैलेंज के बारे में आपको बताने वाला हूं। सीएस कप चैलेंज 2.0 के बारे में भी बताएंगे आपको आज ही की वीडियो में। इनक्यूबेटर और बाकी की जगह पे हमारा कुछ डिस्काउंट इवेंट भी देखने को मिलने वाला है। तो वो क्या डिस्काउंट इवेंट होगा और कितना डिस्काउंट आपको मिलेगा ये भी बताने वाला हूं। मोको का पूरा इवेंट आपको गाइस अभी देखने को मिलने वाला है। उसका कैलेंडर जो है वो ऑलरेडी आ चुका है, लीक हो चुका है और कैलेंडर में काफी चीजें आपको फ्री की देखने को मिलने वाली है। पूरा कैलेंडर दिखाऊंगा और बताऊंगा क्या क्या आपको फ्री का मिलने वाला है। द पजल नाम का एक इवेंट है, वो भी मोको के ही इवेंट के अंदर हमें देखने को मिलेगा गाइस। इसके बाद आपको बताएंगे फ्री फायर मैक्स आप कैसे रजिस्टर कर पाओगे। फ्री फायर मैक्स का रजिस्ट्रेशन ऑफकोर्स स्टार्ट हो चुका है यार आज से। और भाई फ्री फायर मैक्स के अलावा एक और ऐसी चीज है जो आपको बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, उसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। टॉपिक पहले बता दिया तो भाई मजा खराब हो जाएगा। तो यार फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं, बस लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना यार, इतना छोटे से रिक्वेस्ट है, अभी जाओ कर दो भाई मेरा मोमेंट देखो। सबसे पहले आपको बता देता हूँ हमारे आने वाले नए फ्री फायर मैक्स की रजिस्ट्रेशन आप लोग कैसे कर पाओगे। तो रजिस्टर करना है यार बिल्कुल सिंपल है, प्ले स्टोर पर जाना है, आपको आईडी लॉगिन होनी चाहिए और जाके वहाँ पे बस रजिस्टर पर क्लिक कर दो, हो गया रजिस्टर यार, इतना ही करना है भाई। इसमें लोग अलग अलग वीडियो बना देते हैं, ये वो फालतू की चीज़ें। हाँ, प्री रजिस्टर करने पर आपको यार एक फ़ायदा होगा, वहाँ पर आपको एक लूट बॉक्स का लेजेंडरी स्किन मिलेगा जिसमें फ्री फायर मैक्स लिखा होगा। और यार फ्री फायर मैक्स फ्री फायर से कितना ज्यादा इंप्रूव किया गया है वो आप इस ट्रेलर में ही देख सकते हो भाई। अब यार एग्जैक्टली इसके ग्लिचेस कम होंगे कि नहीं या फिर इसका सर्वर प्रॉब्लम सही होगा कि नहीं ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने यार ये वाला गेम नहीं खेला। और भाई ट्रैफिक सोर्स पे भी डिपेंड करता है, वो मैं आपको आगे बताता हूं कैसे। फिलहाल भाई ये वाला ट्रेलर देख लो, जहां पे पूरा रूप बदल डाला है यार बरमुडा मैप का। यहां पे हर एक चीज इन्होंने चेंज कर डाली है, क्योंकि बरमुडा मैप यार काफी ज्यादा पुराना हो गया था। इसके बाद हमारा रिमास्टर्ड मैप आया और अब भाई जो हमारा नॉर्मल बरमुडा मैप होगा फ्री फायर मैक्स के अंदर वो कुछ ऐसा दिखने वाला है, जहां पे यार भर भर के बिल्कुल पेज की डिटेलिंग की गई है। यहां पे आप देख सकते हो भाई क्या ही लुक बदल डाले पूरे यहां पे बरमुडा मैप का, स्पेशली क्लॉक टावर का, जहां पे भाई पहले क्लॉक नहीं हुआ करती थी लेकिन अब क्लॉक हो गया यार फाइनली क्लॉक टावर पे। वहां पे सिर्फ एक टावर था, ना ही क्लॉक थी ना कुछ और था। तो अब भाई आपको बिल्कुल चेंज देखने को मिलेगा हमारा फ्री फायर मैक्स का बरमुडा मैप। तो आप सब लोग जानते हो गाइस कि बैटल ग्राउंड गेम्स की गिनती बहुत है इंडियन सर्वर के अंदर, और भाई फ्री फायर उनमें से है। और फ्री फायर को परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके कॉम्पिटिटर बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए भाई ये लोग जो फ्री फायर के अंदर नहीं कर पाए वो फ्री फायर मैक्स में करने का ट्राई कर रहे हैं। और देखते हैं गाइस कि इनका ट्राई कितना ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ है। अब भाई ये फ्री फायर में भी ये चेंज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती अगर कुछ भी इधर उधर होता, क्योंकि फ्री फायर अगर ये लोग पूरा चेंज कर देंगे तो भाई लोग इसे खेल नहीं पाएंगे। अगर थोड़ा बहुत भी उसमें कुछ गड़बड़ होता है तो काफ़ी दिन तक अगर ये चला तो काफ़ी हेट भी मिल सकता है इस गेम को। इसीलिए भाई फ्री फायर में कोई छेड़छाड़ ना करते हुए इन लोगों ने बिल्कुल नया ऐप फ्री फायर मैक्स लाया है, वो भी 1.5-2 साल की टेस्टिंग के बाद, जो कि यार काफ़ी सही चीज़ है क्योंकि इतना टेस्ट हुआ है तो भाई यार कुछ ना कुछ इम्प्रूव ज़रूर किया होगा, और इम्प्रूव से ज़्यादा इम्प्रूव यार करा होगा इन लोगों ने, एक्सपेक्टेशंस तो ये। अब देखते हैं भाई कि रियलिटी क्या निकलती है। बाकी यार इसके ग्राफिक्स अच्छे हैं, इसमें चलने का स्टाइल अलग होने वाला है, साथ में गए जिसमें आपको जो इफेक्ट्स मिलेंगे हर चीज़ के वो भी डिफरेंट है। गन के साउंड्स इसमें चेंज किए गए हैं, गन के साउंड आपको अलग आएंगे और ज़्यादा रियलिस्टिक लगने वाला है ये गेम। अब देखते हैं भाई कि इसमें कितना ज़्यादा मज़ा आता है, साथ में इसमें सर्वर्स भी इतना प्रॉब्लम नहीं करेंगे क्योंकि इसमें ट्रैफिक कम रहने वाला है। स्टार्टिंग में ट्रैफिक इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत दे सकता है इनको, अगर इन लोगों ने इसकी तैयारी कर ली होगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं की होगी भाई तो आप समझ सकते हो कि फ्री फायर से इतनी सारी ऑडियंस उस फ्री फायर मैक्स के ऐप को एक दिन में खोलेगी तो क्या होने वाला है उस ऐप का भाई हाल। इसीलिए मुझे लगता है कि इन लोगों ने इतना तैयारी तो कर ही लिया होगा कि इतना ट्रैफिक झेल सके इनका फ्री फायर मैक्स का
का सर्वर प्लस यार फ्री फायर मैक्स में आपको लैगिंग वगैरह देखने को नहीं मिलेगी, यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अब देखते हैं भाई रियलिटी क्या निकलती है। उम्मीद तो यही है भाई कि वन ऑफ द बेस्ट ये ऐप होने वाला है और फ्री फायर गेम अब ज़्यादा ऊँचाई हो जाएगा यार। अब बात कर लेते हैं गाइस हमारे नए क्लैश स्क्वाड के कप के बारे में, पर यार उससे पहले आपको एक धमाकेदार और एक्साइटिंग इवेंट के बारे में बताना चाहूँगा जो कि बुया ऐप पर चल रहा है, राखी धमाका नाम का। इस इवेंट में गाइस अगर आप कोई भी क्लिप पोस्ट करते हो उसमें आप अपने स्क्वाड मेट को अपने टीम मेट को बचाते हो या किसी भी ट्रिकी सिचुएशन से निकालते हो और अपने स्क्वाड को जीत दिलाते हो, तो यहाँ पे आपको ढेर सारे एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। इसमें फ्री का इमोट कैली का बंडल और फ्री का वुकोंग कैरेक्टर भी है। तो अगर आपको लगता है कि आप ऐसे क्लिप्स बनाने में माहिर हो तो फटाफट से जाओ और एक ट्राई जरूर करना है यार, क्योंकि ये आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन चांस है। कोई पैसा नहीं लग रहा है यहाँ पे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है बुया ऐप की, फटाफट से जाओ बुया ऐप को डाउनलोड करो अगर नहीं किया है तो, और इस क्लिप को पोस्ट करके अगर आप बना तो बेस्ट क्लिप बना देते हो तो आपको यहाँ पे ढेर सारे रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं गाइस। तो भाई यार कप चैलेंज हमारा चल रहा है, काफ़ी लोगों ने इसमें रजिस्टर कर लिया, इसमें नहीं किया बहुत सिंपल है। जैसे आप वर्ल्ड सीरीज़ में रजिस्टर करते हो सेम टू सेम वैसे ही आपको यहाँ पे अपनी टीम रजिस्टर कर लेनी है। इनवाइट करना है तो इनवाइट कर दो, अगर आपको इनविटेशन आया तो दूसरे की टीम ज्वाइन कर लो, और एक भी मैच आपने खेल लिया तो आप टीम चेंज नहीं कर पाओगे ना ही किसी और को इन्वाइट कर पाओगे। इसलिए सोच समझ के अपनी टीम बनाना, उसके बाद ही मैच स्टार्ट करना। आई थिंक यार आज ही का टाइम है इसमें, तो फटाफट से जाके गाइस ये गेम खेलना स्टार्ट कर दो, क्योंकि क्लैश स्क्वाड कप का 2.0 वर्जन भी हमें देखने को मिलने वाला है। इसका जो सीजन 2 होगा यानी 2.0 का चैलेंज आने वाला है वो 4 सितंबर को यार आएगा। डेट तो ये बता जा रही है, अब देखते हैं भाई इतनी जल्दी ये लोग क्लैश स्क्वाड का कप देते हैं कि नहीं देते। सीजन 1 है, सीजन 2 काफी जल्दी हमें देखने को मिलने वाला है। इसमें आपको रिवॉर्ड्स भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं, कस्टम रूम कार्ड मिल रहा है, वाउचर्स मिल रहे हैं, साथ में आपको इमोट भी मिल रहा है 30 डेज के लिए। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है गाइस प्रैक्टिस के लिए भी, साथ में टूर्नामेंट एक्सपीरियंस करने के लिए भी। तो जैसा कि मैंने बताया था भाई आज टूर्नामेंट की न्यूज थोड़ी ज्यादा है, तो वर्ल्ड सीरीज के बारे में सुन लो यार। नवंबर में हमारे मेक्सिको के अंदर वर्ल्ड सीरीज होने वाली थी लेकिन अभी वो कैंसिल कर दी गई है कोविड-19 यानी कोरोना की वजह से। अब हमारी वर्ल्ड सीरीज नहीं देखने को मिलेगी, जो कि एक बैड न्यूज है गाइस सभी के लिए, क्योंकि वर्ल्ड सीरीज फ्री फायर का बिगेस्ट इवेंट है, बिगेस्ट टूर्नामेंट है। तो भाई इस बार आपको वर्ल्ड सीरीज नहीं नसीब होने वाली है, लेकिन हाँ काफी जल्दी फ्री फायर इसके लिए कुछ ना कुछ जरूर करेगा, करेना कुछ ना कुछ जरूर सोचेगा, क्योंकि ये इवेंट कैंसिल होना एक बहुत बड़ा झटका है यार फ्री फायर को। तो ये टूर्नामेंट यार नहीं हुआ तो इसके अलावा काफी ऐसे टूर्नामेंट जो घर बैठे हो जाएंगे, और ऐसे इवेंट्स तो यार अलग अलग जगह होस्ट होते ही रहेंगे। मेक्सिको में नहीं हो पाया, अब देखते हैं भाई वर्ल्ड सीरीज के अलावा या वर्ल्ड सीरीज को ही कहीं और भी ऑर्गेनाइज किया जाता है या फिर कोई नया इवेंट लाया जाता है गरेना की तरफ से। हमारे चल रहे प्रेजेंट इनक्यूबेटर पे यानी दी ओपरैंग नाम के इस इनक्यूबेटर पे गाइज आपको 50% ऑफ मिलने वाला है काफ़ी जल्द देखने को। डेट कंफर्म नहीं है लेकिन इस इवेंट का आना कंफर्म है, एक दिन के लिए आपको ये इवेंट मिलेगा। और भाई 50% ऑफ आजकल बहुत रेयर हो गया इनक्यूबेटर के ऊपर डिस्काउंट, तो यार फटाफट से अगर आपके पास डायमंड्स नहीं है तो इंतज़ाम कर लो, भर के रख लो अपने तिजोरियों में, क्योंकि इनक्यूबेटर यार ये वाला काफ़ी सही है और इसकी कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा ही अच्छी हैं, तो आपको ये लेना चाहिए निकालना चाहिए अगर आप इसके कैपेबल हो तो। जबरदस्ती कोई भी नहीं है यार, ना ही किसे मांग मांग के डायमंड लेना भाई। और हाँ मांगने से याद है भाई गिव अवे में क्यों नहीं आते यार, फेसबुक पे हम लोग लाइव करेंगे तो गिव अवे जरूर होगा। अगर आप लोगों में से ज्यादा लोग आएंगे तो फटाफट से फेसबुक पे भी हमें फॉलो कर देना भाई और ज्वाइन कर लेना। लिंक सबकी सारी चीज़ों की डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है। गिल्ड जिसने ज्वाइन नहीं किया हमारा पिछली वीडियो देख लो, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि गिल्ड आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो भाई। जिसने भी नहीं किया है जल्दी से ज्वाइन कर लेना गिल्ड को अगर आपको टूर्नामेंट्स वगैरह में हमारे थ्रू पार्टिसिपेट करना है। तो बात करें अगर यार हमारे आने वाले नए डायमंड रॉयल के बारे में, तो डायमंड रॉयल में हमारे मेल के मंडल के बाद अब आपको फीमेल का मंडल देखने को मिलने वाला है, और जो हमारा डायमंड रॉयल अभी चल रहा है रिसेंटली वो काफी जल्दी खत्म होने वाला है, तो उस पर 40% ऑफ भी आपको देखने को मिलने वाला है। और भाई मेरे हिसाब से यार डायमंड रॉयल में इतने लोग डायमंड नहीं लगाते जितना कि इनक्यूबेटर में लगाते हैं, क्योंकि इनक्यूबेटर में कोई ऑप्शन नहीं होता, वाउचर्स आपको सिर्फ इवेंट्स के अंदर ही मिलते हैं, इसलिए मेरे हिसाब से भी इनक्यूबेटर के अंदर ही लगाना सही है। बाकी डायमंड रॉयल के अंदर आप वाउचर्स यूज करो वो ज़्यादा बेटर है। बाकी कोई अच्छा बंडल आ जाता है जो आपको लगता है कि स्पेशल रॉयल है और ये वाला बंडल हमारा मैजिक क्यूब के एक्सचेंज स्टोर में नहीं आएगा, तो आप कहीं जाके यार डायमंड लगा सकते, वरना मैजिक क्यूब के अंदर तो सारे डायमंड रॉयल के बंडल आ ही जाते हैं यार, तो कोई फायदा नहीं आपका अलग से डायमंड लगाने का डायमंड रॉयल के अंदर। इनक्यूबेटर में 50% ऑफ बहुत बड़ा वाला इवेंट आने वाला है, तो उसमें मैं रिकमेंड करूंगा कि जितना भी आप निकाल सकते हो ब्लूप्रिंट वगैरह निकाल लो, क्योंकि ये डिस्काउंट इवेंट हर इनक्यूबेटर पे नहीं आता, और भाई आप ही का फायदा होगा यार 3 ब्लूप्रिंट एटलीस्ट निकालना ताकि एक आप एक्सचेंज कर पाओ आने वाले नए इनक्यूबेटर का, ताकि भाई आपको ही फायदा हो, आपका नुकसान ना हो, आपको ज्यादा डायमंड खर्च ना करने पड़े और आधे दाम में ही आपका काम हो जाए। भाई ये मेरी तरफ से
रिकमेंडेशन है, बाकी आपको अगर सही लगे तो ही आप इसको यार काम में लाना। इसके बाद यार मोको इवेंट का जो कैलेंडर है वो गाइज आपको फटाफट से दिखा देते हैं, क्योंकि मोको इवेंट का बहुत ही बड़ा यहाँ पे यार फ्री फायर ने एक क्रेज़ बना के रखा है। तो फटाफट से आपको दिखा देता हूँ कि मोको वाले इवेंट के अंदर यानी अवेकनिंग मोको हमारी जिस इवेंट में मिलने वाली है उसमें फ्री के कितने रिवॉर्ड आपको मिलेंगे। सबसे पहले गाइस आपको 6 तारीख यानी 6 सितंबर को एक दी पजल नाम का इवेंट मिलेगा, जहाँ पे आपको मोको के ही इवेंट के बैनर्स मिलेंगे, अवतार मिलेंगे और भाई क्या ही कहने यार। इसके बाद फ्री का मोको का यहाँ पे आपको स्काई बोर्ड यानी सर्फ बोर्ड मिलने वाला है। डेली लॉगिन रिवॉर्ड पे लूट बॉक्स मिलेगा। इसके बाद आपको कोडर्स क्रिप नाम के इवेंट में यहाँ पे फैल्को का फ्री का स्किन, पैराशूट का मोको का पिन मिलेगा, साथ में आपको फ्रेगमेंट्स मिलेंगे और यहाँ पे यार एक लूट बॉक्स या बैकपैक कुछ भी है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, सब एक जैसे कलर का है, ये भी मिलने वाला है। और मोको का तो बंडल आपको इसके साथ मिलेगा ही मिलेगा जब भी आप इसे अवेकन कर लेते हो। तो अवेकन करने का सिस्टम वही रहेगा जैसे कि हयातो के टाइम पे रहा था, केली के टाइम पे रहा था और एंड्रयू के टाइम पे रहा था। अगर आपने किया होगा तो आपको यार इजीली मालूम पड़ जाएगा। बाकी आप डेली डेली अगर इन कैरेक्टर्स को लेके खेलते हो तो भी गाइज आपके जो ये कैरेक्टर हैं वो 3-3 मिशंस कंप्लीट करेंगे डेली डेली और आपको इनके फ्रेगमेंट्स कलेक्ट करने हैं ताकि जल्द से जल्द आप इनके अवेकनिंग कैरेक्टर अनलॉक कर सको। यहाँ पे गाइज आपको लॉग इन करने पे भी इसका एक चैलेंज इवेंट कंप्लीट करने पे भी अलग अलग रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। और भाई ऑलमोस्ट हर चीज़ जो मैंने आपको दिखाई थी वो यहाँ पे फ्री होने वाली है। 18 सितंबर इसका गाइज आई थिंक पीक डे होने वाला है, तो 18 को आप लोग खेलना बिल्कुल भी मत भूलना। जैसे कि आज 28 अगस्त को ये हमारा फ्री फायर के एनिवर्सरी का पीक डे चल रहा है, वैसे ही मोको का इस इवेंट का यानी अवेकनिंग मोको का जो इवेंट का पीक डे होगा वो 18 सितंबर होने वाला है, जहाँ पे आपको लॉग इन से लेकर जितने भी इवेंट हैं वहाँ पे सबसे बेस्ट चीज़ें मिलने वाली हैं फ्री की यानी फोकट की। तो भाई ये सब चीज़ें मिस नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आप फ्री फायर को ज़्यादा टाइम नहीं भी देते तो इस दिन ज़रूर देना ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मिल सकें और भाई आगे जाके आपको पछतावा ना हो कि ये तब फ्री मिल रहा था और अब नहीं मिल रहा, तो पहले ही ले लेना चाहिए था। और हाँ, आज के दिन आपको फ्री के वाउचर्स मिल रहे हैं इनक्यूबेटर डायमंड रॉयल वेपन रॉयल के साथ में, आपको फ्री का मैजिक क्यूब के फ्रेगमेंट्स मिल रहे हैं, तो यार लेना बिल्कुल भी मत भूलना। इसके अलावा भी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो एनिवर्सरी के टाइम पर आपको मिस नहीं करनी चाहिए। तो आज इसका पीक डे है, फटाफट से जाके सारे रिवॉर्ड्स कलेक्ट कर लेना अगर आपने सुबह से अभी तक गेम नहीं खोला है। तो इतना बिजी तो वैसे कोई नहीं होगा यार यहाँ पे, अगर हो गए भी तो भी गाइस गेम खोल के एक बार देख लेना क्योंकि आज का दिन आपको मिस नहीं करना चाहिए। बाकी यार जो मैं आपको बताना है मतलब स्टार्टिंग में अभी बता देता हूँ, हमारा एक गाइस एक बिल्कुल नया इमोट पार्टी इवेंट हमें देखने को मिल सकता है, इसमें आपको ये वाला इमोट मिल सकता है। अब भाई इसके बारे में मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगा क्योंकि आज की वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई है। तो यार आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस, सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर दो भाई जाके, स्टार्टिंग में मैंने कुछ भी नहीं आपको बोला यार, तो अभी जाके सब्सक्राइब कर दो फटाफट से, साथ में लाइक भी मार देना। लाइक टारगेट आज की वीडियो का है 15,000 लाइक्स अभी तक देख के। इस वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं मारा और सिर्फ यार देख के भाग जाओगे तो भाई गलत बात है यार, जाके लाइक मार दो, थम्स अप वाला बटन उस पर क्लिक कर देना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना, शेयर कर देना इस वीडियो को कोई ऐप पे, फॉलो कर देना फेसबुक पे जाके फॉलो कर देना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, हर जगह फॉलो कर दो। आज के लिए बस इतना ही, टेक केयर, बाय बाय, मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.